बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह काजोल की खूबसूरत बेटी न्यासा देवगन अपनी खूबसूरती का बखान करती रहती है, हर वक्त बॉलीवुड की हर पार्टी में नजर आती हैं। उससे तो साफ होता है कि ये जब इनका डेब्यू होगा तो किसी बॉलीवुड स्टार के साथ ही होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि न्यासा देवगन बॉलीवुड को छोड़कर साउथ अभिनेता से रोमांस करना चाहती हैं, जहां ये बॉलीवुड के सभी एक्टर को साइड करके साउथ के एक सुपरस्टार के साथ अपने करियर की शुरुआत करना चाहती हैं, जिनका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा खासा नाम है। तो चलिए जान लेते हैं कि न्यासा बॉलीवुड को छोड़कर किस साउथ अभिनेता के साथ डेब्यू करना चाहती हैं। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में न्यासा देवगन आजकल कुछ ज्यादा ही हाइलाइटर का काम कर रही हैं, क्योंकि जहां देखो हर तरफ इनकी ही चमक देखने को मिलती है। लेकिन मीडिया वाले कब से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि न्यासा बॉलीवुड के किसी न किसी अभिनेता के साथ तो जल्द से जल्द डेब्यू करेंगी। पर अफसोस की बात है कि न्यासा ने बॉलीवुड के किसी भी एक्टर को अपनी फिल्म के लिए नहीं चुना है, बल्कि ये तो साउथ के जाने माने हैंडसम अभिनेता के साथ अपने करियर को उड़ान देना चाहती हैं। जी हाँ, इन्हें विजय देवरकोंडा बहुत ज्यादा पसंद है, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी कदम रख लिया है। ये चाहती हैं कि ये भी अपनी फ्रेंड अनन्या पांडे की तरह ही विजय देवरकोंडा के साथ धमाकेदार एक्शन रोमांटिक मूवी से बड़े पर्दे पर धमाका करें, चाहे फिर वो फिल्म साउथ इंडस्ट्री की हो या फिर बॉलीवुड की। इसके अलावा गीता गोविंदम मूवी को भी इन्होंने काफी पसंद किया। इसमें विजय एक लवर बॉय के तौर पर नजर आए थे, और जब न्यासा ने विजय की वर्ल्ड फेमस लवर मूवी को देखी तो ये उनकी एक्टिंग की दीवानी ही हो गई। इसलिए किसी भी कीमत पर बॉलीवुड के किसी भी हैंडसम और जाने माने अभिनेता के साथ ये डेब्यू नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चाहती है कि विजय के साथ रहकर ये एक्टिंग के हुनर को समझ सकें, अपने करियर की सीढ़ियों में उनके साथ आगे बढ़ते रहें। इसलिए भी क्योंकि अनन्या पांडे ने विजय की काफी तारीफ की हुई है, इसलिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ विजय देवरकोंडा के साथ ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करना है। तो दोस्तों, आपके अनुसार क्या विजय न्यासा के साथ काम करेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।